देश की सिचुएशन तो देख ही रहे होते हो आप, इंसिडेंट्स तो आप देख ही रहे होते हो, कुछ चीज़ें होती हैं जिनके साथ आप डिसअग्री करते हो, आप अग्री कर ही नहीं सकते हो। उस वक्त के साथियों के साथ, प्रशांत भूषण के साथ, योगेंद्र यादव के साथ, और ये सब मुझे सही लोग लगते थे। ऐसा लगता ना अपने जैसे लोग हैं, वैसी बातें करते हैं, पर वो ट्रीटमेंट करेक्ट नहीं लगा। बहुत सारी और चीज़ें थी और उसके बारे में बार बार बोलता रहा। परसाई जी की कुछ लिखी हुई चीज़ें, हाँ उफ, मतलब मंटो की लिखी हुई कुछ चीज़ें, ऐसे चांटा पड़ता है ना कान के नीचे, सन करके आवाज़ आती है। मतलब कितना कमाल लिटरेचर रहा है और उस लिटरेचर को दबाया गया उस टाइम पर जब वो लिखा जा रहा था। हमें पता है कि नहीं है हमारे चाचा ताऊ प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स, और नहीं है हमारे अंकल राइटर, नहीं है हमारे रिश्तेदार कास्टिंग डायरेक्टर्स, तो हमारे अपने स्ट्रगल्स हैं एंड वी आर अवेयर ऑफ इट। आई एम अवेयर ऑफ इट एंड आई एम इट डजेंट मेक मी बिटर, इट डजेंट मेक मी, ऐसा नहीं लगता कि अरे हम तो इतने टैलेंटेड हैं, हमें ये क्यों नहीं मिला। मेरे को तो जो कुछ मिल रहा है मेरे को बड़ी खुशी है यार। मैं ये सब मैं नहीं एक्सपेक्ट करता था कि अश्विनी अय्यर तिवारी और अनुराग कश्यप और अमित शर्मा और नवदीप सिंह और अजय बैल के साथ मैं काम करूंगा, मैं कभी नहीं सोचा था। रोलिंग। चलिए जी, तो बताओ फिर, कुमाऊनी हो गढ़वाली हो आप? ये पहला सवाल है तेरा? पहला सवाल बताओ फिर, कुमाऊनी हो गढ़वाली हो? मैं यहां से शुरू कर रहा हूँ यार, उत्तराखंडी हूँ ये कहूँगा। हाँ। उत्तराखंड से हूँ और उससे बड़ी बात हिंदुस्तानी हूँ, और वो उसके पीछे कारण है कि मैं पला बड़ा पूरे हिंदुस्तान में हूँ। तो पैदा हुआ मैं बिल्कुल टॉप पर, जो मस्तक कहा जाता है हिंदुस्तान का, जम्मू कश्मीर में, मेरे पापा पोस्टेड थे वहाँ पर। हाँ। उसके बाद ग्वालियर, गुरदासपुर पंजाब में, जयपुर, दिल्ली, मुंबई, शादी उड़िया लड़की से की है वो मैं उत्तराखंड से, गढ़वाल से हूँ, तो हिंदुस्तानी हूँ, कुमाऊनी गढ़वाली उत्तराखंडी उन सबसे पहले। बढ़िया। ये देखा, ये ऐसे देते ये आंसर, जो ये जो आंसर आपने है ना, मतलब पहला आंसर मारा है, ये जो मजा पहला ये जो है बहुत अभिलाष वन सत्यम जीरो जैसे ऊपर ऑरेंज कर लो ना, नीचे ग्रीन कर लो, व्हाइट तो पहना आपने हाँ यार, तो यहाँ पर है। कैसा रहा कैंस का एक्सपीरियंस? कान का? इट्स नॉट कैंस, व्हाट इज कैंस भाई, मैं बहुत टाइम तक कैंस कैंस कर रहा था, बड़े लोगों ने मेरे को करेक्ट किया, या तो उसे आप कैन बोले या उसे आप कान बोले, क्योंकि वो स जो है, एस जो है, वो प्रोनाउंस नहीं किया जाता है, तो मुझे लगा कान साउंड्स गुड। मैं रेडियो से हूँ वैसे भी, तो कान कान थोड़ा उनका ऐसा कैसे कैनेडी कैसे आई आपके पास? अब मैं अनुराग सर से मिला था, ये शूटिंग चल रही थी इनकी, एक फिल्म आई थी दोबारा, तो तापसी और पावेल दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उनसे मिलने के लिए हम लोग, हाँ दोनों, पावेल के साथ मैंने अभी हाल फिलहाल में काम किया, लेकिन उससे पहले की बात है, तो मैं उनसे मिलने गया था, पुणे में शूटिंग चल रही थी, तो अनुराग सर के साथ ऐसी बकैतियाँ चल रही थी, और मेरे को लगता है उनके सामने लोग थोड़े सहम जाते हैं, और मैं कुछ ज़्यादा ही फैल गया तो उनको मैं बड़ा ही कॉन्फिडेंट फनी लड़का लगा। तो खैर, वो दो मुलाकात हुई थी मेरी उस वक्त, और वो दोनों मुलाकातें लंबी थी, मतलब 2-2.5 घंटे तक हम लोगों ने बातचीत की अनुराग सर के साथ, उनके किस्से सुने, अपने किस्से सुनाए। उसके बाद कट टू, मैं ब्लर के लिए शूट कर रहा था तापसी के साथ, अजय बहल डायरेक्ट कर रहे थे वो फिल्म नैनीताल में, और मेरे पास कॉल आया अननोन नंबर से, मैंने फ़ोन उठाया और वहाँ पे अनुराग कश्यप थे मैंने कहा सुन, स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ और पढ़ ले, पता करेगा नहीं करेगा यार, अनुराग कश्यप किसी एक्टर से पूछते हैं क्या मैंने कहा ठीक है भेजो आप, मैं पढ़ता हूँ। तो पढ़ी स्क्रिप्ट, और बहुत ही ज़बरदस्त स्क्रिप्ट थी, जिस तरीके की अनुराग कश्यप फिल्म्स होती हैं, डेप्थ कैरेक्टर, लेयर्ड कैरेक्टर्स, कॉम्प्लेक्स स्टोरी, और क्या मैंने अभी करियर शुरू ही किया है यार अपना, एक्टिंग करियर, मैं बहुत पुराना खिलाड़ी हूँ। मतलब कुछ तो टाइम हो गया। नॉट रियली यार, एक्टिंग फुल फ्लेज्ड एक्टिंग करते हुए मुझे कितना ही टाइम हुआ है, कुछ खास काम नहीं हुआ। 3 साल का करियर कुछ भी नहीं होता है यार इस इंडस्ट्री में, और अनुराग कश्यप अगर आप उससे 1 साल के बाद ही कॉल कर दें, हाँ। क्योंकि ये 2 साल पहले की बात है, तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो वहाँ से मेरे को मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा बहुत कमाल लगा, तो करेगा? मैंने कहा अरे क्या बार बार मत बोलो यार, करेगा करेगा, करना ही है मुझे। फिर उसके बाद हाँ, तो ये शूट खत्म हुआ ब्लर का, और ब्लर अगेन वो भी मेरे को बहुत ही रैंडम तरीके से वो फिल्म मिली थी। मैं उसमें एक दिन का शूट करने गया था यार, एक कैरेक्टर, अगर ब्लर तुमने देखी होगी, हाँ। तो एक होटल मैनेजर है जो आता है और तापसी के कैरेक्टर को बोलता है कि आपकी आंखें ब्राउन है, हाँ। शर्त लगी थी हमारी, वो कैरेक्टर करने गया था मैं एक दिन के लिए।
शूट हुआ और पता नहीं अजय सर को क्या दिखा, बोलते ये मेरा एंटैगनिस्ट है। मैंने कहा हैं जी, किससे बात हो रही है भैया, पीछे को ये क्या बोलते रहा तू। तो उसके बाद वो फिल्म वैसे मिली। खैर जब मैं वापस आया ब्लर के शूट के बाद, तो मुझे लगा अनुराग सर से एक बार मिलते हैं, तो मैंने कहा मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने के लिए। तो उनके घर पहुँचा, मैंने कहा ये बाकी सब छोड़ो, ये कहाँ से आपके दिमाग में, मैं कहाँ से आ गया। क्योंकि अनुराग सर के साथ जब आप एक्टर्स की बात करो तो नेक्स्ट लेवल एक्टर्स रहे हैं यार, जिनके साथ उन्होंने काम किया, और उनकी चॉइसेस हमेशा बिल्कुल बेस्ट रही है, टॉप नॉच। और सडनली आपको चूज करते हैं, तो हम तो जहाँ से आते हैं सेल्फ डाउट में मरे रहते हैं, हम तो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास वाले, तो वो कि मुझे क्यों कर लिया, मैंने क्या किया है ना, मैं ट्रेंड एक्टर कोई। तो उन्होंने कहा जब मैं लिख रहा था तो मेरे दिमाग में तू आ रहा था बार बार, तो मुझे लगा आई शुड ट्राई यू, और उसी वजह से ये मैं तेरे को ऑफर किया। क्या है रोल कैनेडी में, दोनों के साथ काम किया आपने, राहुल और सनी? नहीं, मेरा मेरे सारे के सारे सीन सिर्फ राहुल भाई के साथ है। मैं कैरेक्टर के बारे में बिल्कुल नहीं बता सकता हूँ, वरना सब कुछ मेरे ज्यादातर फिल्मों में जैसे ही मेरे पार्ट्स होते हैं। हाँ, ब्लर में 1.5 साल तक रोक के रखना पड़ा यार अपने आप को, बता ही नहीं सकते हो ब्लर में क्या कर रहे हो, क्योंकि आपने बता दिया तो सब कुछ सबको पता लग जाएगा आप क्या कर रहे हो। तो मेट्रो आप लोग को बताएं, जो साइलेंस था किस वजह से, ये जो इनका स्टूडियो है इसके नीचे से मेट्रो गुजरती है, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं दिल थाम के बैठा हूँ ये कभी कोई खतरा नहीं हुआ भाई, रॉकेट सुनो हिंदुस्तान में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हम लोग मस्क साहब के साथ जा सकते हैं मेट्रो पे। तो हाँ, तो फिर इस तरीके से कैनेडी मिली और शूट किया अनुराग सर के साथ। वो भी बड़ा अलग था एक्सपीरियंस, क्योंकि एक तो मेरे को डायरेक्टर्स नेक्स्ट लेवल मिल गए स्टार्टिंग में, अनुराग कश्यप, अश्विनी अय्यर तिवारी, नवदीप सिंह, अजय बहल, अमित शर्मा, तो मतलब जो नवरत्न है उनमें से 5 रत्नों के साथ तो मुझे लगा है मैंने काम कर लिया है। तो इन डायरेक्टर्स के साथ जब भी आप काम करते हो आप बहुत प्रिपेयर होके जाते हो, क्योंकि आपको पता है जिस तरह की लेगेसी अपने साथ लेकर आते हैं। नवदीप सिंह के साथ जब मैं काम कर रहा था, अभी एक हमने वेब शो किया है नवदीप सर के लिए, तो क्योंकि मैंने मनोरमा 6 फीट अंडर देखी हुई है, NH 10 देखी हुई है, तो मुझे पता है किस तरह की फिल्म्स वो बनाते हैं। तो आप ऑलरेडी अगेन ट्रेंड एक्टर नहीं हो, सेल्फ डाउट में मरे जा रहे हो, तो आप फुल प्रेपरेशन के साथ आते हो। तो अनुराग सर के साथ भी वैसा ही था कि पहले दिन तो फुल प्रिपेयर करके इस वर्ड पे ऐसे खड़ा हो जाऊंगा, इस वर्ड पे आंखें उठाऊंगा, इस वर्ड हाथ दिखाऊंगा, और इस वर्ड पे यहां से डायलॉग बोलूंगा। रुक रुक किया, ही इज वेरी ओपन टू आइडियाज एंड थॉट्स, जो बहुत खूबसूरत चीज है। और मुझे लगता है जो भी लोग लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल रहे हैं, जो जिनको वक्त बांध नहीं पाया है, वो सब ओपन रहे आइडियाज और थॉट्स को लेकर। बच्चन साहब टीवी करा यार, एक फिल्म स्टार ने टीवी से स्टार बने, उसके बाद डिजिटल पर आए, वहां पे तोड़फोड़ मचा दी। उनके टाइम के कितने एक्टर्स थे यार, बहुत ज्यादा, और बहुत कमाल के एक्टर्स थे, कोई नहीं है अभी, किसी के बारे में हम बात नहीं करते हैं। ये जेनरेशन अभी भी अमिताभ बच्चन को जानती है, तो ट्विटर पे बहुत एक्टिव, वही मतलब ओपन, मैं बोल रहा हूँ ओपननेस टू आइडियाज एंड थॉट्स, लोग डिस्कार्ड कर देते हैं भाई ये नहीं करेंगे। सेम इज द केस विद अनुराग कश्यप, ओपन टू आइडियाज एंड थॉट्स। तो बोला ठीक है, तू एक थोड़ा इजी करना अच्छा इजी करना है क्या, वो तो लो यार आप कैसे करना इजी। फिर उसके बाद बहुत ही आराम से उसके बाद शूट निकला। एक दिन डाटा बहुत बुरी तरह से मेरे को, तो राहुल भाई और मैं बैठे हुए थे और वही खुनकी खाका चल रहा था हमारा, बोलते तू सुन, उसको कैरेक्टर से बाहर निकालता है, समझा तू इससे बात नहीं करेगा। मैंने कहा ये क्या बात है यार, एक्टर है अब कैरेक्टर में बातचीत तो हम करेंगे ही ना, बात भी ना करें। तो फिर मैंने राहुल भाई को आंख मारी और फिर हम राहुल भाई की वैनिटी में जाते थे और वहाँ बातें करते थे क्योंकि बातें करना ज़रूरी है। तो यार बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था अनुराग सर के साथ। एक तो वो आपकी लाइफ, जब आप एज एन एक्टर स्टार्ट करते हैं तो कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जो आपकी चेकलिस्ट में होते हैं, और ये तो बिल्कुल टॉप की चेकलिस्ट होती है, तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं कि आपके साथ कभी हो जाएगा ऐसा। तो इंटरेस्टिंग शुरू का बताओ, आप स्कूलिंग कॉलेज सब दिल्ली से हुआ? नहीं, सब अलग अलग जगहों से, दिल्ली आके थोड़ा पढ़ाई शुरू की, अलग अलग जगहों पढ़ाया माँ बाप ने, ऐसा नहीं है। आर्मी पब्लिक स्कूल में था स्टार्टिंग में, गुरदासपुर में, फिर उसके बाद केंद्रीय विद्यालय से बाकी की पढ़ाई खत्म की, क्योंकि फौजी बच्चे यूजुअली ये 2 स्कूल्स में ही पढ़ते हैं, APS और KVs, तो दोनों जगहों से पढ़ाई हुई है। केंद्रीय विद्यालय में ज़्यादा वक्त गुजरा है, तो KV स्टूडेंट ज़्यादा कहता हूँ खुद को। पिताजी चाहते थे इंजीनियरिंग करूँ, लेकिन 11वीं 12वीं में जो औकात पता लगी है अपनी, मैं तो मैथ्स दिलवाई थी, सोच रहे थे CA बनूंगा, 34 नंबर आए थे तो मैं 34 है। मेरा दोस्त था संदीप, बोर्ड एग्जाम दिया मैथ्स का, मैं संदीप घर चल, बोलता क्यों, तो हरियाणा का था, बोलता क्यों है
क्या करें इधर घर जाके। मैंने कहा बस तेरे को घर पे बोलना है कि बहुत टफ एग्जाम था, 90% बच्चे फेल हो रहे हैं, ताकि प्रिपेयर हो जाए पेरेंट्स अभी से कि ये तो पास नहीं होने वाला। बहुत गंदी हालत थी यार। तो 11-12 तो मेरे लिए ट्रॉमा था। एक तो मेरे पिताजी फौज से रिटायर्ड, एक कमाने वाले इंसान, वो भी पेंशन आती थी घर पे। हम 6 खाने वाले लोग घर पे, ठीक है। मेरी क्लास में सिर्फ एक स्टूडेंट था जिसके पास कोचिंग नहीं थी, मैं। तो कोई भी क्वेश्चन वहां से पूछा था कि एक क्वेश्चन का आंसर आता है, सारे हाथ खड़े होते थे, सबको आंसर आता था, एक हाथ नहीं खड़ा होता था, ठीक है। और जब पूछा था कोई डाउट है तो मैं हाथ नहीं उठा पाता था, क्योंकि आप एम्बैरस्ड फील करते हो कि अकेला आप स्टूडेंट थोड़ा ना हो सकते हो जिसको नहीं आता है। तो वो 11-12 ट्रॉमा था अपने आप में साइंस स्ट्रीम। वो पापा के प्रेशर में ली थी मैंने, क्योंकि हमारे खानदान में जब कोई बढ़िया पढ़ने वाला बच्चा होता है साइंस लेता है, तो खामोश हो गया 11वीं 12वीं में। फिर उसके बाद एग्जाम सारे दिए, AI EEE JEE सब दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग होता था जो अब DTU है, वो उसका एग्जाम भी दिया, और सब में ऐसे 1.5 लाख रैंकिंग भी ऐसी सर औकात के सारे 1.5 लाख 45,000 फिर कहाँ से किया कॉलेज? फिर उसके बाद ये रियलाइज हुआ कि एक और स्पेस है जो किया जा सकता है, कॉन्फिडेंस है और बातचीत अच्छी कर लेता हूँ, जर्नलिज्म एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा। और उस टाइम क्लीन जर्नलिज्म था जिससे तो लगा कि सेंसिबल भी है जर्नलिज्म, नॉलेज बेस्ड है, डिसिप्लिन हूँ तो कर सकता हूँ ये सब चीज़ें। तो फिर उसके बाद मैंने एग्जाम दिया 2 जगहों का, एक IP यूनिवर्सिटी दिया और एक मैंने DU में दिया खालसा कॉलेज का। IP भी हो गया लेकिन IP की फीस बहुत ज़्यादा थी क्योंकि प्राइवेट वो था, और यहाँ पर कुछ चंद हज़ार थी। तो फिर DU में खालसा में लिया, 6 महीने में समझ में आ गया कि ये सब तो पता है अपने को इसमें क्या है आगे क्या करना लाइफ में। तो अगले साल फिर मैंने थिएटर करना शुरू किया। मैं बहुत ही वैसा हसलर टाइप का रहा हूँ कि कुछ कुछ करता रहना चाहता हूँ, जिस दिन काम नहीं करता हूँ बड़ा अजीब लगता है बीबी की, ओह आज कुछ किया नहीं, आज कुछ करना चाहिए था। दैट कम्स फ्रॉम आई थिंक द अपब्रिंगिंग जो, या पेरेंट्स को जिस तरीके से देखा है रोज़ कुछ ना कुछ करते हुए। तो वहाँ थिएटर करना शुरू किया, तो अभिषेक वाही करके हमारे थिएटर में ही थे, उन्होंने कहा तू बातें बड़ी सही करता है यार, तू माहौल बड़ा बढ़िया बना लेता है यार, तू रेडियो करेगा? मैं कर लेंगे तो बोलता है मेरे दोस्त हैं एक जो एक रेडियो सेटअप कर रहे हैं हिसार में, तो तू वहाँ जा। का हिसार कहाँ? हिसार पता ही नहीं था, मैंने कभी सुना ही नहीं था हिसार के बारे में। तो ना बताया पीरागढ़ी चौक से तू रोडवेज की बस लेगा, हरियाणा रोडवेज की, वो जाती है हिसार तक सीधे, हांसी होते हुए हिसार, ऐसा कुछ कुछ तो एक स्टॉप था बीच में, करनाल या कोई करनाल था पता नहीं कुछ तो था, बहादुरगढ़ तो बहुत पहले, उसके बाद में एक और स्टॉप आता है फिर हिसार आता है। तो और मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में, मतलब 17-18 साल उम्र थी मेरी, पहुंच गए सर वहाँ पर, उन्होंने ऑडिशन किया, उन्हें पसंद आ गया, उन्होंने कहा नौकरी आपकी हो गई है, 10 या 12 हज़ार रुपये मिलेंगे आपको। क्या बात? अरे मतलब बात करनी छोड़ दी अपने लोगों से। बट माई डैड वॉज नॉट वेरी वेरी ओके विद इट, पढ़ाई उन्होंने उनका वो था कि यार पढ़ ले पहले। मैंने कहा पापा आप जो मैं पढ़ रहा हूँ ना मैं पढ़ चुका हूँ तो मैंने उनको बताया, श्योर किया, और उनका ये था कि ये अगर ये कह रहा है तो कर लेगा, उनका वो कॉन्फिडेंस हमेशा से रहता था। मैंने कहा मैं डिग्री कंप्लीट करूंगा, आप उसकी चिंता मत करो, बस मेरे को करने दो। ये इंडस्ट्री कैसी है, क्योंकि आप तो आउटसाइडर हो ना पूरे, हाँ, तो कितनी वेलकमिंग है आउटसाइडर्स के लिए, जो पूरा हम एन वर्ड वाला डिबेट सुनते हैं क्या? यार का मतलब हमारे लिए फिल्म तो कोई नहीं बनाएगा, ये तो पता है कि हमें लॉन्च कोई नहीं करेगा, ये नहीं कहेगा कोई, और अभिलाष जी आइए पोस्टर मेरे घर जैसा फिल्म PR गाड़ी वो तो नहीं होगा, और वो पता ही है, मतलब कुछ है, कोई ऐसी नई चीज हमें जीवन में नहीं। किस लेवल तक होता है, मतलब आपका अगर चलिए आपको लॉन्च कर दिया फिर, हाँ, तो टैलेंट तो कहीं तो काम आया। 100% यार, कितने सारे एक्टर्स हैं जिनको लॉन्च कर, बट वो लॉन्च बहुत बड़ी चीज होती है मेरे भाई। हाँ, वो बहुत बड़ी चीज़, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, उस लॉन्च के चक्कर में जिंदगी निकल जाती है लोगों की। वो बोलने में हमें लगता है कि लॉन्च तो हो गया, उसके बाद टैलेंट, लॉन्च बहुत बड़ी चीज है। आपके ऊपर कोई 8, 10, 20, 30, 40 करोड़ का ट्रस्ट दिखा रहा है, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। हमारे साथ वही है कि हम जब बाहर से आते हैं तो हमें प्रूव करना पड़ता है अपने आप को। आप एस्पिरेंट्स करते हैं, आप फाड़ू करते हैं, आप ब्लर करते हैं, आप कैनेडी करते हैं, आप प्रिवेसी करते हैं, आप अवार्ड फंक्शन से पहुंचते हैं, फिर आपके बारे में लोगों को पता लगना शुरू होता है। तो आप काम के बाद आपका नाम बनता है, नाम हाँ, से आपको काम नहीं मिलता है। तो हम लोग तो काम के बेसिस पर ही जाने जा सकते हैं, हवा नहीं बनती पहले काम। हाँ हाँ, नाम के बेसिस का थपलियाल, कौन थपलियाल
हो तपलियाल आउट, सरनेम इतना भारी नहीं है तो एक इंटरव्यू देख रहा था उसके टाइटल में थपलियाल की जगह टी लिखा हुआ है अभिलाष टी. वेल आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, परफेक्ट टू द टी. तो हाँ, पर वो है यार, वो फैक्टर है. बट हमें पता है कि नहीं है हमारे चाचा ताऊ प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स, और नहीं है हमारे अंकल राइटर, नहीं है हमारे रिश्तेदार कास्टिंग डायरेक्टर्स. तो हमारे अपने स्ट्रगल्स हैं एंड वी आर अवेयर ऑफ इट. आई एम अवेयर ऑफ इट एंड आई एम इट डजंट मेक मी बिटर, इट डजंट मेक मी, ऐसा नहीं लगता कि अरे हम तो इतने टैलेंटेड हैं, हमें ये क्यों नहीं मिला. मेरे को तो जो कुछ मिल रहा है मेरे को बड़ी खुशी है यार. मैं नहीं एक्सपेक्ट करता था कि अश्विनी अय्यर तिवारी और अनुराग कश्यप और अमित शर्मा और नवदीप सिंह और अजय बैल के साथ मैं काम करूंगा. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ब्लर जैसी फिल्म में इतना इंटेंस पार्ट तापसी पन्नू के अगेंस्ट प्ले कर पाऊंगा. मैंने नहीं सोचा था फाड़ू में रॉक्सी का पार्ट मुझे मिलेगा. मुझे नहीं पता था एसके सर इतना बड़ा हिट हो जाएगा. तो मेरे लिए स्पिन ऑफ भी कैसा था वो? बहुत सही यार, रिएक्शंस तो बहुत अच्छे आए. जब आप करते हो तो आप रिपीटिशन नहीं लग रहा था, कहते यार ये तो हो चुका है. हाँ वो लगता है, वो एज एन एक्टर लगता है, वो एज एन एक्टर लगता है कि आप कुछ तो नया करो ना इसके साथ. पर फिर आई रियलाइज्ड कि ऐसा है नहीं. फ्रेंड्स के कितने सीजन्स बने, एग्जैक्टली सेम एक्टर्स थे, सेम तरीके से करते थे. एक्चुअली ना हमारे, मैं अपने ऊपर वो प्रेशर लेकर भी बहुत घूमता हूँ कि हर बार कुछ नया करना है. ये प्रोजेक्ट करो तो कुछ बढ़िया करो. अरे ऐसा नहीं होता है भाई, रुक जा, थम जा. हो सकता है कि कई बार तेरे को एक ही पार्ट को प्ले करना पड़े. अब एस्पिरेंट्स 2 में भी एसके सर ही रहेगा ना, आप उसको नहीं चेंज कर सकते. वो है क्यूट, वो है लवेबल कैरेक्टर, वो है फेलियर, वो है थोड़ा मार्मिक. बिहार से हूँ तो वो मेरे लिए बड़ा कॉम्प्लीमेंट है एज एन एक्टर कि आप अगर वो सब कर पाओ. बट बहुत सारे यार दोस्त हैं यार जो बिहार से हैं, जो कॉलेज में थे साथ में, जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करे थे, कंपेरेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करे थे, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आसानी से आ गई. नहीं अच्छा था आप, क्योंकि लाइफ ऑब्जर्व ज़्यादा करते हो, मतलब तुम थिएटर करते हो तो तुम्हें पता होगा कई चीज़ें आपको सिखाई नहीं जाती, आप सीखते चले जाते हैं खुद ब खुद. तो वो सब चीज़ें लाइफ से बहुत आई हैं. जब फादर्स डे जैसे दिन आते हैं, हाँ, तो क्योंकि अभी राइट, अगर हम बात करना चाहें तो कर सकते हैं. नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. मैं ये देखता हूँ ना कि जैसे मान लीजिए किसी के घर में किसी की हो गई डेथ, हाँ. तो जैसे मदर्स डे आया, फादर्स डे आया, तो लोग कहते हैं कि भाई क्यों कर रहे हो उसको, देखो मतलब उनका भी सोच लो, क्यों आप पोस्टिंग कर रहे हो, इन लोगों का सोच लो, इनके नहीं है पेरेंट्स. हाँ. बुरा लगता है फादर्स डे वाले दिनों पे या बिल्कुल भी नहीं? आया बुरा क्यों, इतना प्यारी मेमोरीज है यार, बाप के साथ इतनी प्यारी मेमोरीज क्रिएट की है उनकी वजह से, हम सब उनके एक्सटेंशन है. बुरा कैसे लग सकता है, तो इतना प्यारा दिन है यार कि हम लोग फादर्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं. कभी सेलिब्रेट नहीं करते हैं फादर्स को यार, कभी थैंक यू नहीं बोलते हैं, लव यू नहीं बोलते हैं, गले नहीं मिलते हैं, दिल खोल के बात नहीं करते हैं. माँ के थ्रू कॉन्वर्सेशंस जा रहे होते हैं. माँ होती है पैसेंजर, ये लो लेटर भेज देना, फिर लेटर यहाँ जाता है, फिर लेटर वहाँ से आपके पास आता है. उस इंसान को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसकी वजह से हम हैं, जिसकी वजह से एक घर चलता है. डेथ तो ऐसी चीज़ है यार जिसके बारे में हम लोग कभी भी बात नहीं करते हैं. और ये सच है कि मतलब एक टाइम पर हमारे पेरेंट्स या तो चले जाएंगे या हम चले जाएंगे, तो वो जाने के बारे में हम लोग कभी बात नहीं करते हैं. वी आर स्कैर्ड टू टॉक अबाउट इट. और उसके रेपरकशंस भी हैं उसको, फिर उसी तरीके से जब वो लॉस होता है तो फिर उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं वो लॉस क्या है, वो नया लॉस है आपके. उसके बारे में किसी ने बताया नहीं, तो आप खुद ही एक्सप्लोर कर रहे होते हो, खुद ही देख रहे होते हो. जैसे एक बड़ा अजीब सी चीज़ है, पता नहीं कितने लोग कनेक्ट करेंगे, लेकिन जब मेरे दादाजी की डेथ हुई थी तो मेरे पापा के साथ में गया था. और एक क्रिया होती है, बोलते हैं कपाल क्रिया, सर पे मारना होता है बॉडी को. और वो कपाल क्रिया मुझे क्लियरली याद है, पापा ने किया एंड ही स्टार्टेड क्राइंग. आई वॉज इन सेकेंड स्टैंडर्ड, ऐसे बहुत छोटा था मैं, लेकिन मैंने, मेरे दिमाग में ये था कि मैं तो ये कभी नहीं कर पाऊंगा. ट्रस्ट मी, जिस दिन ये हुआ ना, ऐसे हो गई कपाल क्रिया, पता भी नहीं चला कि मैंने कर दिया है वो. आप उस मोमेंट पे जब होते हैं ना, आप उस मोमेंट से आगे और पीछे उसके बारे में बहुत सोचते हैं, बट जब आप मोमेंट पे होते हैं, जब वो एक्ट चल रहा होता है, वो एक्ट कब हो जाता है आपको पता नहीं लगता. तो आप उस मोमेंट, वो मोमेंट होगा तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे, आप बहुत सोचते हो. जब वो मोमेंट चला जाता है, आपने कैसे किया, क्यों किया, ओ ये ऐसा हो सकता था, आप सोचते हो. लेकिन जब वो एक्ट हो रहा होता है, ब्लैंक हो जाता है उसके बाद. उस टाइम पर ब्लैंक भी नहीं, उस टाइम पर बस वो हो जाता है.
वो उस मोमेंट में हो जाता है. और मेरे को लगता है एक्टिंग बहुत हद तक वैसी है, उस मोमेंट से पहले बहुत कुछ सोचा जाता है, बहुत कुछ जिक्र होता है, सोचते हो क्या करोगे कैसे करोगे. जब वो मोमेंट आता है ना, उस मोमेंट पे रहकर अगर आपने कर दिया ना, तो बाद में फिर आपको लगता है यार यार मतलब कैसे हो गया, कैसे कर दिया, नहीं समझ में आता है. फिर आप लॉजिक और साइंस उस पर काम नहीं करती है. तो आई थिंक हाँ, कमिंग बैक टू फादर्स डे, व्हाई नॉट यार, मतलब दे शुड बी सेलिब्रेटेड, एवरी फादर शुड बी सेलिब्रेटेड यार. तो अभी दिल्ली में मैं देख रहा था कमला नगर वगैरह घूम के आए हो आप. कमला नगर तो नहीं गया. हाँ हाँ, एक बार गया था. अरे भाई यार, भाई यार वो रिकोस वाला बुरा मान जाएगा यार. आप कह रहे हो कभी मतलब नहीं. हाँ मैं मतलब पहली बार गया रिकोस, मेरे को पता भी नहीं था, तुमने बोला तो नाम याद आया. वहां तो मतलब नेक्स्ट लेवल स्ट्रगल हो गया. मैं पहुंचा और बच्चे उसके शीशे में ऐसे देख रहे हैं, एंड आई रियलाइज्ड कि अब हो गया है यहाँ पर रायता. और कोई बच्चा जो है वो खाने नहीं आ रहा है वहां पर. वो जो फोटो खिंचवाने के आ रहे हैं. तो मैंने हाँ, तो मैंने एक बार सीट चेंज की कि मैं पीट कर लूंगा तो शायद लोग नहीं देखेंगे. पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी दोस्त. तब तक भीड़ लग चुकी थी बाहर. बहुत पहचानना जाने वाला चेहरा है ना आपका. मतलब आप ये भी नहीं है कि कैरेक्टर्स आपने ऐसे किए हैं कि जो बहुत ज्यादा मेकअप वाले हों या हाँ, बट एक्चुअली हैं. बट एसके सर बहुत सिमिलर है. वो बहुत सिमिलर, मतलब तुम अगर फाड़ू का वो देखोगे, रॉक्सी देखोगे तो बहुत अलग है. और आप सोशल मीडिया पे भी एक्टिव बहुत ज्यादा. हाँ हाँ, उस वजह से. राइट राइट राइट, पोएट्री हो गई, रीले हो गई. हाँ, तो शक्लो सूरत दिखती है. तो सीरत और सूरत दोनों के साथ शायद कनेक्ट करते हैं लोग. तो सीधे आ जाता हूँ, हमें नहीं पता. देखिए हमको तो आधा घंटा हुआ है भाई साहब. ये जो ट्रेन नीचे से जा रही है ऊपर आ सकती है किसी तरीके से. एक आदमी को भेजना है बिठा के मेट्रो में. तो बताओ फिर, पोएट्री सुना दो, तो गाने सुना दो. पहाड़ी गाने आते हैं आपको? पहाड़ी गाने मैं सुनता हूँ बहुत, मैं गाता नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत खराब गाता हूँ और बहुत गलत गाता हूँ, जो मैं नहीं करना चाहूंगा किसी पहाड़ी गाने के साथ. पोएट्री मैं लिखता हूँ पर मुझे याद नहीं रहती है. कौन है फेवरेट पोएट? फेवरेट पोएट मतलब बचपन से जिनको सुना है पढ़ा है वही है. रामधारी सिंह दिनकर मुझे लगता है उनका जो वीरस है वो उसको कोई कम्पीट कर नहीं पाया है. एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी नहीं है, तो जो थोड़ा बहुत एक्सपोजर रहा है वो उस तरह की कविताओं का रहा है जो पढ़ी बचपन में, जो याद रह गई. उसके अलावा आजकल भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ता रहता हूँ. कई दो दो लाइंस बहुत कमाल लग जाती हैं सोशल मीडिया पर जो दिखती है. परसाई जी की कुछ लिखी हुई चीज़ें, ओफ मतलब मंटो की लिखी हुई कुछ चीज़ें, ऐसे चांटा पड़ता है ना कान के नीचे, सन करके आवाज़ आती है. मतलब कितना कमाल लिटरेचर रहा है और उस लिटरेचर को दबाया गया उस टाइम पर जब वो लिखा जा रहा था. परसाई जी को बहुत पसंद नहीं करते थे उस टाइम पर नेता. मंटो को तो खैर समाज ने ही डिस्कार्ड कर दिया था पूरी तरीके से. तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि वो लोग हैं जिन्होंने कि जो लिखा वो इतना सच लिखा कि बहुत कड़वाहट छोड़ता है वो जुबान और दिमाग दोनों पर. तो वो बड़ा बहुत खूबसूरत लगता है. केजरीवाल की मिमिक्री करते हैं हमारे दिल्ली के सीएम. नमस्कार. सीएम की मिमिक्री करते हैं. नमस्कार. तो कभी हुआ ऐसा कि हेट हुआ हो लोग? बहुत 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 बहुत. स्टार्टिंग में तो बहुत बकवास कर रहा. हाँ मतलब मम्मी को हिचकियाँ आती थी हर दो मिनट में. इतनी हेट मिलती थी के बारे में बहुत. तो तेरे अंदर दम नहीं है उनके बारे में क्यों नहीं बोल रहा है? अरे मैं हर किसी के बारे में बोलता हूँ. मतलब अगर आप मेरी ट्विटर फीड देखोगे, हाँ आप मेरी ट्विटर फीड देखोगे, और मतलब मेरा हक है यार. मैं इस देश का नागरिक हूँ यार, ये डेमोक्रेसी है. आप मेरे नेता हो, मैंने आपको चुना है. आपके खिलाफ भी बोलूंगा, आपके साथ भी बोलूंगा, और हर किसी के खिलाफ और साथ बोलूंगा. तो कभी ऑफिशियली कुछ किसी ने करने की कोशिश? ऑफिशियली बट रेडियो स्टेशन में जब मैं काम करता था 2013 या 14 में हमने पहला स्केच बनाया था. इट वेंट वायरल. उस टाइम पर पता भी नहीं था वायरल क्या होता है. वो मफलर मैन वगैरह. तो रेडियो स्टेशन में कॉल आते थे कि हाँ भाई वीडियो बना रहे ना इस रेडियो स्टेशन में काम करता ना सीपी में. अच्छा. निकलेगा तो बहुत डर लगता था क्योंकि उस टाइम पर बहुत ही बच्चा था यार मैं. मेरे को भी समझ नहीं थी और वो डर लग जाता है कि एकदम से ऐसे कॉल्स आ रहे हैं आपके पास. ट्विटर पर बहुत सारे मैसेजेस, गालियाँ, ट्वीट्स बहुत गंदे गंदे. फेसबुक पर बहुत हेट. इंस्टाग्राम मेरे ख्याल से नहीं था उस टाइम पर इतना. नहीं था ही नहीं एक्चुअली, इंस्टाग्राम नहीं था. तो इन दोनों जगह पर बहुत गालियाँ. किसी और की मिमिक्री नहीं की आपने जब लोगों ने गाली दी?
या ऐसे जनरली सिर्फ केजरीवाल का किया है किसी और, मतलब पॉलिटिकल? मुझे लगता है कि अगर आप ऐसा ह्यूमर क्रिएट कर सकें जहां पर कि लोग देखें और हंसें और हंसते हंसते सोचें, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। मैंने सबके लिए, सबके लिए केजरीवाल बनके, ऐसा नहीं है कि मैंने मफलर मैन बनके, मैंने सिर्फ मफलर मैन के बारे में बोला है, मैंने मोदी जी के बारे में भी बोला है। अगर आप देखोगे वीडियो में तो बहुत कुछ बोला है। क्यों रहे हो मोदी जी का नाम ले? अबे मेट्रो जा रही है नीचे से, मोदी जी का नाम लेके नहीं यार, मतलब उनके उनके लिए भी जो चीज पसंद नहीं है वो ट्वीट पर भी बोलता हूँ। जब ये पूरा का पूरा लॉकडाउन चल रहा था और उस टाइम पर जिस तरह से डेथ्स हो रही थी, उस वक्त बहुत लिखा, बोला उस कैरेक्टर के थ्रू, बोला उस कैरेक्टर के साथ, मफलर मैन के साथ यार खुद का जुड़ाव बहुत स्ट्रांग था। क्योंकि जब अन्ना मूवमेंट चल रहा था उस टाइम पर मैं रेडियो पर उनका सपोर्ट करता था। और मुझे लगता था कि उस टाइम पर केजरीवाल जी जो है वो पीआर हैंडल करते हैं अन्ना जी की, क्योंकि बात हमारी उनके साथ होती थी रेडियो स्टेशन पे, कि वो बताते थे अभी क्या क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। और उस टाइम पर उनका कहना था कि हम लोग कभी पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करेंगे, कभी आएंगे नहीं। और वही मूवमेंट की स्ट्रेंथ थी कि हम में से एक इंसान वहां पर जाकर बैठा है और हमारे लिए बात कर रहा है। तो वहां पर तिरंगे लेकर जाना, जाते हुए लोगों को देखना, उसके बारे पर रेडियो पर बोलना, सोशल मीडिया पर बोलना, बहुत दिल से किया है। और फिर सपोर्ट भी किया जिस भी तरीके, तो पॉलिटिक्स से जब पॉलिटिक्स में आए तभी भी सपोर्ट किया। संतुष्टि है उनके काम से? हाँ, मतलब यार अच्छा काम तो कर ही रहे हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर क्वेश्चन भी है, और वो हमेशा हो गए कि कई चीज़ों के साथ आप अग्री करेंगे, कई चीज़ों के साथ आप डिसअग्री करेंगे, वो वैसा ही है मेरा भी। मुझे लगता है कि जिस तरीके से यार दोस्तों को और जिनके साथ पार्टी बनी थी उन लोगों को ट्रीट किया गया वो करेक्ट नहीं था। उसको लेकर मेरे दिमाग में और मन में है कई चीजें, बहुत a lot of other people will also. तो वो मुझे, क्योंकि मुझे लगता है कि वो दोस्ती की ईमानदारी सबसे प्यारी ईमानदारी है, जो साथ है जब आप कुछ नहीं है ना, वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, अरे सर मतलब वो ही है सच सर, वो ही सच है सर। बहुत मतलब अगर आप उनको, जब आप ऊपर पहुंच जाते हैं ना, आपके बड़े सारे दोस्त बन जाते हैं, बड़ी यारी दोस्तियां बन जाती हैं, पर असली यारी वो है जब आप कुछ नहीं है तब आपके साथ आप जानते हैं। सही बात, एकदम सही। तो उस वक्त के साथियों के साथ, प्रशांत भूषण के साथ, योगेंद्र यादव के साथ, और ये सब मुझे सही लोग लगते थे। ऐसा लगता ना अपने जैसे लोग हैं, वैसी बातें करते हैं, पर वो ट्रीटमेंट करेक्ट नहीं लगा। बहुत सारी और चीज़ें थी और उसके बारे में बार बार बोलता रहा। और मुझे लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमर फॉर मी, सटायर से बढ़िया चीज़ कुछ नहीं हो सकती है। परसाई जी भी वही करते थे मुझे लगता है। एक बार गजराज राव ने लिखा था कि क्या परसाई और एक और किसी का नाम लेकर, कि वो नज़र आया मुझे इस वीडियो में। okay. अरे मैं तो पागल हुआ, गजराज सर को कॉल किया, मैंने कहा हेलो सर क्या लिख दिया है आपने? आपने लिखा है ना, किसी बहुत ले लिया आपका। उसके बाद उन्होंने फिर डिलीट कर दिया कुछ टाइम के बाद, बोलते यार बहुत हेट मिल रही है, मैं नहीं हैंडल कर सकता हूँ। तो वैसा था, बट बहुत बहुत। और देश की सरकार के बारे में क्या कहना है आपको? देश की सरकार के बारे में किस विषय में, किस तरीके से? केंद्र की सरकार के बारे में कैसा काम लग रहा है आपको? अगेन यार, बहुत सारी चीज़ों के साथ आप अग्री करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के साथ आप डिसअग्री करते हैं। मुझे लगता है कि वैसे हो आप पॉलिटिकल पर्सन हो, मतलब हर कोई है जो कहता है कि तटस्थ है, वो भी तटस्थ नहीं है, कोई 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 तटस्थ नहीं है। वो खैर हो तो बहुत गहरी बात है, बट मैं इन जनरल बोल रहा हूँ जो कहता है कि मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ। हर कोई पॉलिटिकल नहीं है, एक्टिवली फॉलो करते हो आप पॉलिटिक्स को डे टू डे जो चीज़ें? इतना भी नहीं कि मैं हर, आप मेरे से बोलोगे कि अभी दो मंत्रियों के नाम बता दो तो वो निकल जाए जुबान में, बट हाँ इन जनरल, हाँ देश की सिचुएशन तो देख ही रहे होते हो, इंसिडेंट्स तो आप देख ही रहे होते हो, कुछ चीज़ें होती हैं जिनके साथ आप डिसअग्री करते हो, आप अग्री कर ही नहीं सकते हो। तो बॉलीवुड वालों पर कभी काफ़ी ज़्यादा ये रहता है कि भाई इनफ नहीं बोला, या इस पे कुछ ज्यादा ही बोल दिया, या इस पे क्यों चुप रह गए, इस पे बोलते हो तो उस पे क्यों नहीं बोलते। फॉर एग्जांपल शाहरुख खान पे बहुत होता है कि मुसलमानों पे इतना कुछ हो रहा है, उस पे शाहरुख खान कुछ बोलता क्यों नहीं है, मोदी जी के साथ जाके क्यों काम करता है। तो ये वाली जो चीजें, आपको क्या लगता है कि एक आर्टिस्ट की कितनी जिम्मेदारी है कि वो आगे आकर किसी भी चीज के बारे में बोले? आर्टिस्ट की पहली जिम्मेदारी क्या है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। पहली जिम्मेदारी है अपना काम करना। वो अपना काम कर रहे हैं क्या, वो आपको एंटरटेन कर रहे हैं क्या, वो अगर आपको सोशल रेलेवेंस वाले मैसेजेस देने वाली कोई फिल्म कमिट करते हैं तो क्या वो करते हैं? बिल्कुल करते हैं, ठीक है। तो उनका काम तो हो चुका है। फिर उसके बाद बारी आती है कि वो, मतलब पब्लिक फिगर भी है, पब्लिक फिगर तो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ उसके बाद जिम्मेदारी आती है कि आप एज अ सिटीजन क्या कर रहे हैं,
एज अ सिटीजन क्या काम है आपका? टैक्स देना आप दे रहे हो, चोरी तो नहीं कर रहे हो, हाँ वोट दे के आ रहे हो। इवेंचुअली जो भी आप सोच रहे हो उसको कन्वर्ट किस में करते हो आप? वोट में। इवेंचुअलिटी वही है ना, जो भी हम कह रहे हैं कि वोट देना है भाई, कर रहे हैं ठीक है, नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं ठीक है, तो बेसिक काम तो अपना कर रहे हैं ना। ओपिनियन आप ये प्रेशर क्यों बनाते हो, ओपिनियन दे अपनी, बोल तुझे पसंद नहीं है। अबे क्यों नहीं बोलना उसको, उसका कहाँ, उसकी अपना कॉल है, तेरे को बोलना है तो बोल जा जाके, चिल्ला लोगों के ऊपर, गालियां दे सोशल मीडिया पर, तेरे को कोई नहीं रोक रहा है ना। उतना ही सिंपल है, इट्स हिज कॉल इफ ही वॉन्ट्स टू कम आउट एंड से और नॉट से, उसका राइट जितना बोलने का है उतना ना बोलने का भी है मेरे भाई। तो ना बोलने का अधिकार भी उसके पास है। तो आप कौन होते हो किसी को भी पुश करने वाले, बोल बता इसके बारे में क्या? अरे नहीं बोलना भाई, नहीं बोलना, बता तेरी पॉलिटिक्स क्या, बस। तो उतना ही सिंपल, और जिसको बोलना है वो खुल के बोले। इसीलिए तो डेमोक्रेसी है दुनिया भर के इतने कम देशों में, जहां पर कि हम लोग इतने सालों से हमारी डेमोक्रेसी चलती चली आ रही है, इसीलिए तो है, क्योंकि हम बोल पाते हैं और जिनको नहीं बोलना है वो नहीं बोलते। दैट डज नॉट, देखी नहीं, जवाब तो तुम्हारे जहन में है ही, तुम्हें पता ही है क्या बोला जाए उसके बारे में। क्यों नहीं देख यार, बहुत एक बहुत बहुत डिस्टॉर्टेड इमेज ऑलरेडी बन चुकी है सोशल मीडिया पर उसकी वजह से, जो एक्सपीरियंस नहीं करना चाहूंगा मैं उतना ही। अच्छा, उससे लोगों को, अगर मैं आपसे पूछूं लोगों को क्या दिक्कत, लोगों को जो दिक्कत मैं देख रहा हूँ मेजोरिटी, ये दिक्कत है कि भाई तुमने एक लड़की को क्लीवेज के साथ दिखा दिया है ना, तुमने हनुमान से ऐसी बातें बुलवा दी, या इसको डिस्टॉर्ट कर दिया कि वो विभीषण की पत्नी उसको जड़ी बूटी लगा रही है लक्ष्मण को, तो क्या लोगों को ये दिक्कत होनी चाहिए कि फिल्म खराब है? या लोगों को ये दिक्कत, मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा है कि भाई इसको इस तरीके से कैसे आप दिखा सकते हो कि बॉलीवुड। सबसे बड़ी बात है कि जब आप रामायण के विषय में बात करते हैं, आप एक फिल्म के बारे में बात नहीं कर रहे हो। रामायण एक फिल्म या एक सीरियल या एक स्किट या एक इंटरव्यू नहीं हो सकता है। रामायण उससे बहुत बड़ा है मेरे भाई। तू तो कह रहा है हम अडैप्ट कर रहे हैं अपने हिसाब से, अडैप्टेशन हो सकता है तो हम कर रहे हैं, ठीक है, तो रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। तो करो आप, किसने रोका, किसी ने नहीं रोका भाई। सर्टिफिकेट मिला होगा ना उनको कि हाँ फिल्म दिखा सकते हैं थिएटर में, सर्टिफिकेट लेके फिल्म दिखा रहे हैं ना, करेक्ट है, बट रिएक्शन भी फिर उसके हिसाब से होंगे। तो उतना ही है, मतलब इट्स देयर राइट टू शो द फिल्म एंड मेक द फिल्म द वे दे वांट, इट्स एब्सोल्युटली, बट इट्स आल्सो द ऑडियंसेस राइट टू रिएक्ट द वे दे वांट। हम लोग बड़ा बोलते हैं क्रिटिक्स ऐसे क्यों बोल रहे हैं ये, अरे उनका काम है बोलना। आपने पब्लिक के लिए बनाई थी ना फिल्म, पब्लिक के लिए बनाई थी ना भाई, तो पब्लिक बोलेगी, पैसा भी वही दे रहे हैं, देख भी वही, कंज्यूमर भी वही है। तो फिल्म बेसिकली सिर्फ कहानी नहीं है, वो प्रोडक्ट भी है जो हम बना रहे हैं, और प्रोडक्ट के ऊपर तो रिएक्ट करते हैं। जब आप टूथपेस्ट लगाते हो बोलते हैं ना, वाहियात अगली बार से नहीं खरीदूंगा, नमक ही नहीं है इसमें, ठीक है, अब है या नहीं है, मिंट है, जो भी आपको चाहिए, नमक चाहिए, चाय चाहिए, जो भी आपको चाहिए, तो वैसा ही है। बट विद रामायण, एक तो हमने बहुत सुंदर वर्जन देख लिया है रामायण का, महाभारत का। मैं कभी भी महाभारत की भी अगर बात करो, उस अर्जुन के अलावा, उस कृष्ण के अलावा किसी और को देख ही नहीं सकता। और कितने और टीवी शोज बने हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बने, लेकिन वो जो ओरिजिनल 80s और 90s वाली थी ना, वो रिपीट, उसका सोल रिपीट नहीं हो पाया। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस हमेशा वहां पर रहेगी। तो आप अगर अपना डिस्टॉर्टेड वर्जन बनाएंगे तो फिर, मतलब आप ये सोचो ना यार, क्या क्या कमाल का देश है हमारा। जाने भी दो यारों में वो पूरा का पूरा चीरहरण सीन है, और किसी को दिक्कत नहीं हुई, कितना प्यारा, क्योंकि उसको उस आप समझते हैं कि वो क्यों लिखा गया है, क्यों बनाया गया है, किस तरीके से। बट यहाँ पर मुझे कोई बता रहा था कि जाने भी तो यारों का जो सीन है ना, वो जो पूरी पिक्चर बनी थी शायद 4 घंटा प्लस की थी। अच्छा, तो उस आखिरी वाले सीन में गांधी जी, अंबेडकर, भगत सिंह सबको ले आए थे। क्या बात है यार, तो FTIA में दिखाई जाती है कभी कभी। अरे वो बहुत सुंदर है, मेरे घर पे उसका पूरा का पूरा पोस्टर है, मैंने अपने घर पे लगाया हुआ उसको फ्रेम करके, जाने भी तो यारों, वो ऐसी फिल्म जो देखी जानी चाहिए, बहुत बहुत कमाल। क्या करने वाले हो अगला काम? अगला काम यार अभी कुछ साइन नहीं है, एस्पिरेंस 2 बिल्कुल आ रहा है सर, बिल्कुल आएगा एस्पिरेंस 2, इसी साल दिखा देंगे आपको, इसी साल, हाँ इसी साल दिखा देंगे। फिर उसके बाद एक और शो है नवदीप सिंह के साथ, नोआ जॉनरा का, वो आएगा मेरे ख्याल से इस साल के एंड तक। फिर मैदान एक फिल्म है, नोआ, आर नहीं, डोंट प्लीज रोल द आर सर, बाइट योर वीज, किस योर डब्ल्यूज, डू इट, बी W, किस ये W, is it roll your R's,
That's how you talk, yeah? Yeah, Noah, yeah. Genre. Noah, Noah, genre. Genre. Genre, yeah. Genre. ऐसा होता है, E के ऊपर, genre. तो yeah. Genre नहीं होता. Genre नहीं होता, वे. Genre. Genre है वो यहाँ खड़े हो जाओ, जो मादा है वहाँ खड़ी हो जाओ. Genre. 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 So हाँ, तो किसके साथ आ रहा है? Noir. Noah. Noah is with Navdeep Singh, sir. Yeah. Yeah, yeah, yeah. तो उनके साथ है. Noah के बड़े सारे डायरेक्टर्स मिल गए, अजय बहल, अनुराग कश्यप, नवदीप सिंह, और बेस्ट इन द कंट्री. तो वो है. फिर अमित शर्मा के साथ एक फिल्म है, मैदान. अच्छा, मैदान में. हाँ, मैदान में. तो वो आएगी. फिर उसके बाद देखते हैं. अभी एस के सर की क्लास का सेकंड सीजन को लेकर बड़ा एक्साइटमेंट हो गया है, जिस तरीके हाँ. से वो फटा फर्स्ट सीजन. तो बहुत सही फटा. तो हाँ, और वो तो मेरे ख्याल से अब OTT वगैरह पे भी लॉन्च होता है. हाँ हाँ, वैसा ही कुछ प्लान है. तो देखते हैं अब वो कब तक होता है. तो यही सब कुछ कुछ चल रहा है. बाकी लोगों से मिल लेते हैं मेट्रो के ऊपर, बातें कर लेते हैं हिलते हिलते ऐसे ऐसे. चलिए जी, ये न्यूज़ क्लिक है. आप बोल दो कि इनको सब्सक्राइब करो, इनको ढेर सारा प्यार दो और सैलरी बढ़ा दो. न्यूज़ क्लिक अमेजिंग एक्सपीरियंस. बहुत कमाल की वाइब है, बहुत कमाल की एनर्जी है, जो शायद इंटरेक्शन में, इंटरव्यू में आपको समझ में आई हो. प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए.